तो आज की इस वीडियो में आपको लेकर आई हूँ बिल्कुल हेल्थ और टेस्ट का एक ऐसा परफेक्ट कॉम्बिनेशन जो आपने कहीं नहीं देखा होगा। ये टेस्टी और हेल्दी रेसिपी पूरी ज़रूर देखिए। नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का शुभांगी की किचन में। तो इस वीक में आपके लिए लेकर आई हूँ एक और हेल्दी रेसिपी। तो आज की इस रेसिपी में हम बनाने जा रहे हैं मूंग और मोठ को स्प्राउट करने के बाद उसका एक बहुत ही हेल्दी सा डोसा। आपको पता है जो स्प्राउट्स होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, इतना ज़्यादा कि आप नॉनवेज खाते हैं उससे भी 10 गुना ज़्यादा आपको प्रोटीन इससे प्राप्त हो जाता है। उसके साथ साथ आपको विटामिन B12 की कमी जो होती है वो भी पूरी हो जाती है। जो लोग कोलेस्ट्रॉल फ्री खाना चाहते हैं, जिनको वैसे ही डाइटिंग कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बढ़िया ये खाना रहेगा। और साथ साथ जो लोग जिम जा रहे हैं उनको जो ट्रेनर होते हैं वो ये बोलते हैं कि आप मोटा अनाज खाइए, तो इससे ज़्यादा बेहतर आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। तो इस रेसिपी को एक बार पूरा देखिए और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हेल्दी सा स्प्राउट डोसा बनाने के लिए एक कटोरी मूंग की दाल और आधा कटोरी मोठ ले ली है। आप देख सकते हैं यहाँ मैं खड़ी मूंग और खड़ा मोठ ले रही हूँ। इससे क्या होगा कि स्प्राउट्स बहुत ही अच्छे बनेंगे। इसको मैं मिक्सिंग बाउल में डालकर मिक्स कर लूँगी। इसके बाद इसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर जर्म्स और जो इम्प्योरिटीज़ और डस्ट होता है उसको एक बार निकालना बेहद ज़रूरी है। तो इसको हम एक से दो बार अच्छे से पानी से वॉश कर लेंगे। पानी से वॉश करने के बाद ये हम जो गंदा पानी है उसको निकाल देंगे और यहाँ पर लगभग इतना पानी डालेंगे कि आपका 1.5 से 2 गिलास पानी आ जाए। और उसके बाद जब इसको हम रात भर रख देंगे ढककर, तो आप देख सकते हैं कि अच्छे से गल चुका है। तो ये जब गल जाएगा तो इसको हम पूरे दिन के लिए या आप 8 से 10 घंटे के लिए इस तरह से कपड़े में बांध कर रख देंगे, जिससे क्या होगा कि जो हमारे स्प्राउट्स हैं वो बहुत ही अच्छे बनेंगे। अगर आपके पास स्प्राउट्स मेकिंग मशीन है तो आप उसमें भी रख सकते हैं। मैं इस तरह से कपड़े में बांध कर रख रही हूँ, उससे स्प्राउट्स बहुत अच्छे बनते हैं। 8 से 10 घंटे बाद या आप कल एक पूरी रात रखने के बाद आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे स्प्राउट्स निकल कर रेडी हो चुके हैं। तो मैं आपको खोल कर दिखा देती हूँ। आप देखिए कितने बड़े बड़े स्प्राउट्स निकल कर रेडी हो गए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन से भरपूर है, क्योंकि इसके अंदर इतने बड़े बड़े ये जो इसके लेंटल्स हैं ना, बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन से भरे हुए हैं। तो यहाँ पर हम स्प्राउट्स को एक बार अच्छे से पानी से वॉश कर लेते हैं, क्योंकि स्प्राउट्स बनते टाइम इसके अंदर एक अजीब सी स्मेल आ जाती है जिसको हटाना बेहद ज़रूरी है। तो इसको हम मिक्सर के जार में डालकर एक फाइन पेस्ट बनाएंगे और इसके टेस्ट को और बढ़ाने के लिए यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च। आप चाहें तो हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। और इसका बहुत ही फाइन पेस्ट बनाकर रेडी कर लेंगे। इसके अंदर मैंने पानी बहुत कम डाला था। आप देख सकते हैं डोसे का बैटर जैसा होता है मैं बिल्कुल वैसा ही रखना है, बिल्कुल फाइन पीसना है। तो इसके अंदर हम नमक डाल देंगे आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसको इस तरह से अच्छे से हम फेंट लेंगे। तो यहाँ पर स्टफिंग के लिए हम ले रहे हैं पनीर। तो यहाँ पर मैं 200 ग्राम पनीर ले रही हूँ और उसको इस तरह से ग्रेट कर लूँगी। आप चाहें तो क्रम्बल करके भी उसको डाल सकते हैं, लेकिन ग्रेट करने से क्या होता है ना कि अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा और लम्ब्स जैसे नहीं लगेंगे। तो मैंने 200 ग्राम पनीर अच्छे से ग्रेट कर लिया है। यहाँ पर टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैं काली मिर्च डाल रही हूँ और नमक डाल रही हूँ और ढेर सारा हरा धनिया डाल दूँगी। ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि जो हेल्दी चीज़ें होती हैं वो कम मसाले और बढ़िया टेस्ट वाली होती हैं। तो यहाँ पर मैं एक लोहे के तवे पर थोड़ा सा उसको ग्रीस करने के बाद इस तरह से ये जो हमारा बैटर है उसको स्प्रेड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं सेम वैसे ही बनाना है जैसे हम डोसे बनाते हैं। तो इसको मैं बिल्कुल डोसे जैसी शेप में ही इसको स्प्रेड कर रही हूँ। और इसके ऊपर थोड़ा सा जैसे स्टीम निकलना बंद हो, आप बहुत कम ऑयल डाल भी सकते हैं जिससे और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाए। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल 2 से 4 बूंद ऑयल डाल रही हूँ। बहुत कम ऑयल यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर। थोड़ा सा ऑयल नहीं डालेंगे तो क्या होगा ना, ये चिपक जाएगा। अगर आप नॉन स्टिक तवा ले रहे हैं तो आप उस पर बनाएंगे तो बिना ऑयल के भी आप बना सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल आसानी से उठने लग गया है। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे ढेर सारा हमारा जो पनीर का स्टफिंग है वो। आप स्टफिंग के अंदर कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पनीर की स्टफिंग यूज़ कर रही हूँ इसको और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए। ये देखिए हमने स्प्रेड कर दी है अच्छे से पनीर की स्टफिंग और इसको बिल्कुल डोसे के ही जैसे हम सर्व कर लेंगे। तो इसको बनाना बेहद आसान है और बहुत हेल्दी है।
मैं इसी तरह से दूसरा भी बनाकर आपको दिखा देती हूँ। बिल्कुल डोसे के ही जैसे इसको स्प्रेड करना है और जैसे इसमें से स्टीम निकलना स्टार्ट हो जाए उस स्टेज पर हम बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल ऊपर से स्प्रेड कर देंगे, जिसे आसानी से उड़ भी जाएगा और थोड़ा सा क्रिस्पी भी हो जाएगा। तो ऐसा हेल्दी डोसा जब आप बनाकर अपने फैमिली मेम्बर्स को सर्व करेंगे तो उनकी हेल्थ तो अच्छी रहेगी रहेगी और उनको टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो स्प्राउट्स सिर्फ चाट बनाकर नहीं, आप इस तरह से भी उनको दे सकते हैं जिससे उनकी हेल्थ बहुत ही शानदार रहे। तो पनीर की स्टफिंग के अलावा आप यहाँ पर वेजीज़ की स्टफिंग भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं ढेर सारे पनीर की स्टफिंग यूज़ कर रही हूँ और ये दूसरा डोसा भी बनकर बहुत आसानी से रेडी हो गया है। आप इसको दोनों साइड से भी सेक कर खा सकते हैं, हरी चटनी के साथ ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो ऐसी बहुत सारी हेल्दी रेसिपीज़ देखने के लिए और टेस्टी टेस्टी रेसिपीज़ ट्राई करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक शेयर करना ना भूलें।